गोडे गोडे चाय वो तो अपनी थान खड़े फिर साढ़े आंटी ने भर्ती पानी पड़ने खड्डे पा के लेने गली लगती है लगे डीजे गाना चलते देते गेड़ा देते गेड़ा आ साड़ियां भैन कोठे कपड़े सुगने पानिया उसे लग पड़ गया हूं एक दूजे के मुंह खड़े हो गए घड़ी पता लगे पानी में हाजरी बनवा दें बल्ब लाया है लग गया कद ड्यूटी चलाई चल गई सौखा जहा काम है एक बार एक बारी दोनों हाथ ऊपर ऊपर Yeah.
जिन्ना मेरिया भैन ने जिन्ना मेरे वीर ने कदे नराते रखे वर्त रखे दात खड़े कर सारे हाथ थले बेटा शोर ओ बेटा हेलो हेलो ये थोड़े वास्ते कह रहे तुसी आपकी अख इधर ओ हीरो उधर कुछ नहीं रही इधर ही सारा कुछ ये तेरे वास्ते कह लगे तू आपकी अख अज पता नहीं किस ख्याल दे नाल किथे रखी है एक अख मां ने भी तेरे ते रखी है पर तेरी इधर उधर रखी अख का मां नूं तां फर्क पैना नहीं पर जे मां ने तेरे तो अख फेरती फिर तेरा कख भी ਇਹਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਧੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਸੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਪੂਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਘਰੇ ਕੰਜਕਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ ਸੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਨ ਹੈ एक एक शब्द मैं आपके हाथ में लिखे एक शब्द एक करोड़ रुपए का सिर्फ दो मिनट का समय यह अपने नाल क्यों होता ये ध्यान दे नाल सुनोगे ना फिर पता लगना होवे पैना दो होवे कुंभ के मेले ने विछड़ी अज मिलियां इन्हें जाया माता इन्होंने भैन दी गल्लां भी कुछ नहीं हुंदियां इक्को मां दीआं दो धीआं दूर दूर जाना व्याईया साल छे महीने दो साल बाद उन्होंने घरे हो ना फंक्शन जो भजदियां भजदियां ते दूरों आ के एक दूजे के गले मिलती है ना एक दूजे के कान च पता की गल कहती है की पूछती है पता तुम नहीं नहीं दस दस एक ही गल होली जे पूछे होली जे कहने सस हैगी कह दो सच्चे दरबार की सच्चे संसार की बस बड़े ध्यान सुनना अपने क्यों होंगे जिस दिन आप अष्टमी पूजने ना
ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਗਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਲਈ ਉਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹਲਵਾ ਤੇ ਪੂੜੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਟੱਪੀ ਵੀ ਲਈ ਆਉਣਾ ਜੀ ਲੌਂਗੜਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੈਗਾ ਕੰਜਕਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ ਪਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੰਜਕਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਹਾਰਿਆ ਇਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਿਆ लौंगड़े बिठावांगे कहदे सच्चे दरबार की कहिंदे एक मां दे जे दो पुत होना एक मां दे जे दो पुत होना ते कदे किस्मत आई पोजे जेणी हुंदियां इह वी सच है कि झूठ है सच है ना मुंडिया वाला भुलिया बैठा जोश विचों सरब नू माड़ा चंगा बोलदा सी छोटे ते वड्डे सब नू धीआं वाला गमां विच पिया हौसला सी चढ़दा तारे गिन गिन गमां दीआं रातां पिया सी कढ़दा मुंडिया वाला आखे परवानियो दोस्तो धीआं वाला आखे पढ़ाई बिना रानियो दोस्तो कहिंदे फिर सामने एक दिन ऐसी पलटी मारी एक नू कराता अंदर दूजे ने नशे विच ऐसी गड्डी मारी ते तीजा बन गया बदमाश पतंदर पर कहिंदे मेहनत कदे जाया नहीं ओ जांदी आख के लोग सियाणे सिकंदर कहिंदे एक जज एक डॉक्टर एक अफसर बन गई थाने हुण मुंडिया वाला डंग टपावे बच्चा दौड़ी करके धीआं वाला बैठा ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਚੋੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਆ ਕਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ ਆ ਕਾਲੀ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਐਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਹੈ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ दिन है तो रात भी होगी बादल है तो बरसात भी होगी ऐ भक्तों चिंता मत करना अगर ऐसे फिक्रों का आशीर्वाद आप पे रहा ना तो कहीं ना कहीं मां से बुला रात भी होगी गल सबसे प्यारे की चा खेड़दा गली दे विच बाहर आ गया उस गली च कुल्फी वाली रेड़ी खड़ी सी वो बच्चा कुल्फी वाली रेड़ी कोल जाके खड़ा हो गया ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਕੰਡਿਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਫੇਰ ਘਰ ਮੇ ਆਇਆ ਉਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਂਗ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੁਲਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੁਲਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੁਲਫੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਕੱਢਦੀ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਲੈ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੇ ਹੈ 2-5 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਖਰ ਉਸ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰੇੜੀ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਲਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਬ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਬ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਡੀ
ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਝੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਮੰਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਉੜੀ ਕੁੜੀ ਕੁਛ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੋਰ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਬ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ ਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਕੁਲਫੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ੋਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਆਓ 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 ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਬੋਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਲੱਗਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਬਸਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸਰੰਗ ਬਲੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਾਂ ਭਗਤੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧਵਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਲਾ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾ ਸਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖੜੇ ਸਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਬੋਲੀਏ ਬਜ਼ਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਸਾਲਾ ਸਰ ਕੇ ਧਨੀ ਕੀ ਖਾਟੂ ਨਰੇਸ਼ ਕੀ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਧਾਮ ਕੀ ਹਾਰੇ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਕੀ ਲੰਬੀ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹਾਥ ਮੇ ਗਦਾ ਧਾਰੀ ਕੀ ਰਾਮ ਕੇ ਦੁਲਾਰੇ ਕੀ ਸਿਆ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਬਜ਼ਰੰਗ ਬਲੀ ਕੀ ਆਤਾ ਚਿੱਠੀਆਂ चाय काली कटा है तो क्या इनकी छछरी के नीचे हूं मैं आगे आगे ये चलते मेरे मेरे माँ इसमें पकड़ा मेरा हाथ है मुझको डरने की क्या बात है एक जोरदार ताली लगा दी राज साहब के नाल दी ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਕ ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਕ ਵਜੇ ਢੋਲ ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਏ ਕਾਲੀ ਕਟਾਏ ਤੋ ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਛਤਰੀ ਕੇ ਨੀਚੇ ਹੂੰ ਮੈਂ ਛਾਏ ਕਾਲੀ ਕਟਾਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਖਿੱਚਣਾ ਨੈਗਟਿਵ ਆਉਣਾ ਤੇਰਾ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਟਰੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਰ ਕਰੋ ਸੀ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਯਾਰ ਹਾਂ ਦੱਸ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣ ਕੇ
पर गल्ला नहीं बह जा गायत्री बड़ी सवेरे वेख ले तेरा ही मोबाइल को नहीं लेके जाता गल ध्यान दे नाल सुन के गल है इन्हां वर्गे फकर शाही फकीरां दे नाल जे ध्यान दे नाल गायत्री बंद कर दे मोबाइल सवेरे बका ली जिंदे हाथ च माइक आउंदा ना अख बहुत तेज होंदी हुण सब पता बह जा बैठा जिथे मर्जी बह जा नजर तक पाउणा ही बह जाओ ना ध्यान दे नाल सुनने वाली गल है इन्हां फकरां दी गल है आ जिहड़ियां अज झोलियां भरीजियां ना मणतां पूरियां होईयां ने उच्छां निकलियां ने इन्हां सोचे जे अपनियां झोलियां भरदे ने इन्हां नूं कुछ नहीं देना पैंदा उहनूं बेटा चौंकड़ी मार दिल्ली दे पुत्र बाजार च बैठी बड़े ध्यान दे नाल सुणिया जे तां समझोगे कि गल अज तों पहलां ना तां तुसीं कितरे सुणी होणी ना जदों दी तां तुहानूं किसे ने सुणा होणी है गल इन्हां शाही फकीरां दी ये सोचा ही ना कदे अपनिया झोलिया भरते ना इन्हों कुछ नहीं देना पैंता कई बार आपका आप वार के अपन झोलिया भरते ने कहते सच्चे दरबार की कहते एक पति पत्नी से जोड़ा गजनी जो हूं तू उठ पाया तो मैं पुलिस ने फोन करके ना सीधा सीढ़ी के अंदर सुना दूंगा ध्यान देने सुने जी बड़ी ध्यान सुनने गल है जिंदगी जी मौका थोड़ा दोबारा नहीं मिलना इस गल सुन का मैं तू पहला दसदा कहते क्यों एक पति पत्नी का जोड़ा बेटा आराम बैठ जाए यार इतों बाद उठे ना हम आराम बैठा रही मैं दस एक पति पत्नी का जोड़ा उन्होंने को दुनिया का हर सुख सी रुपया पैसा मान सम्मान इज्जत कोठी कार चीज की कमी सी कि एक औलाद नहीं सी एक औलाद नहीं सी उन्होंने दोवां ने पति पत्नी बैठ के गल इन्हां फकीरां दी बड़े ध्यान दे नाल सुनियो मैं वार वार कह रहा उन्होंने दोवां ने बैठ के फैसला किया आपां भी आपका कोई गुरु बनाने आपां भी किसी नूं रब मनने शायद अपनी भी दात अपनी झोली भरी जाए उन्होंने दोवां ने बैठ के रह के सोचा भी आपां शंकर नूं मन्ने कहिंदे बड़ी दुनिया मन करते करते सारे देवी देवता ध्यान किया हर कोई किसी नूं मनदा सिर्फ इक्को ही सीगा जिहनूं कोई मनदा नहीं सीगा उन्होंने उन्होंने रब मान लिया वह कौन सी नारद मुनि नारद मुनि कदे किसी ने रब नहीं मन उन्होंने दोवां ने नारद मुनि रब मान लिया एक फोटो लिया धूप बत्ती की ओम नारद मुनि आए नमो नमो नारद मुनि आए नमो नमो धूप बत्ती शुरू कर दी आखिर उन्होंने दिल की गल उन्होंने आत्मा की गल उपर तक पहुंची नारद मुनि ने सोचा कोई तो ऐसा धरती तो लोग लोग धरती लोग तो कोई मेरा बंदा भी हो जाने मैनू रब मन चलो अच घर फेरा पा के आने नारद मुनि जी उन्होंने घर आके दरवाजा खड़काया अंदरों औरत बाहर आई उन्हें देखे भी साढ़े गुरुदेव आ गए उन्हें बिठाया सत्कार किया मान सम्मान किया जिनी हो सकती आओ भगत की नारद मुनि जी जो उठ के जान लगे कहने लगे तुम दुनिया के पहली मेरे भगत होए जिन्होंने मैनू रब मनिया अज मैं थोड़े ते दया ना जो चाहिए थोड़ा मंग लो वह दोवें भी नारद मुनि के चरणा बैठ के झोली अड़ के कहते महाराज बाकी दुनिया का हर सुख एक औलाद नहीं है नारद मुनि कहते कि वड्डी गल है उन्होंने अखा बंद कीतियां जित लिख लिया इन्हों का खाता खाता कढ़िया की वेख्या कि उस औरत के कर्मा के विधाता ने औलाद ही नहीं लिखी नारद मुनि हैरान हो गए पहला बंदा जिन्हें रब मनिया पहली बार वे घरे फेरा पर आपके मुख तो क्या औलाद ही नहीं कहते कोई गल नहीं मैं दो चार दस दिन तक आवगा थोड़े को पा दसागा तुम उवें करो नारद मुनि उपर गए पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा कर लिया 33 करोड़ देवी देवता इकट्ठे कर ले कहते महाराज मैनू नहीं पता भावे अपना ब्रह्मांड का संविधान बदल दो पर मेरे कहते उस घर औलाद चाहिए है ब्रह्मा विष्णु महेश कह लगे नारद मुनि स्वर्ग लोग का राज दे दें जे विधाता ने कर्मा के जो औलाद लिखी असं कितों दे दिए कहना मैनू नहीं पता नारद मुनि कहते कहते सानू भी नहीं पता नहीं हो सकती नारद मुनि चुपचाप बैठ गए महीना दो महीना 6 महीने बीते उस औरत के घर रात में 1 बजे 1:30 बजे इसे तरह का एक फकीर आ गया उस फकीर ने दरवाजा खड़काया कहता बेटा अधी रात का समय प्यास लगी है पानी पीना उस औरत के भी मुख तो पता कि निकलिया बैठो पिता जी कहिंदा कमलीए किहड़ा रिश्ता गंढ लिया ना तो असी धी टोरनी ते ना सी नौ लियाने दी किहड़ा रिश्ता गंढ लिया कहिंदे चल कोई गल नहीं पानी लिया कई घड़े दे विचों गलास पानी दा भरिया आंदी पी सी पान दे गलास थल्ले डिग पिया डुल गया ठुड आ गया डिग पी फिर उठी दूसरी बार ध्यान नाल सुणा सारी गल दा सरिस्ती है
दूसरी बार फिर उसने गिलास भरिया मटके दे विचों पानी लैंदी बाहर आई टुटा वज्जा गिलास अगे डिग्गिया मत्थे ते वज्जा खून आन लग पिया। तीसरी बारी गिलास भरिया लिया के कहंदी लो पिता जी जिवें उस संत महापुरुष ने फकीर ने गिलास पानी का पीता उहदी अंदरलिया इंद्रिया शांत हुईयां। उस फकीर ने मूहों पता की निकलिया कहंदी बेटा बोल बोल तेनू अज की चाहिए। उन्हें झोली अड ली कहंदी पापा जी पिता जी बाकी सब कुछ एक औलाद नहीं है। कहंदी कमलिए जो तू अंदरों पहला गिलास पानी दे लेके चली थी टिकी सी ना मैं लानत पाई सी उस ब्रह्मांड नू। कहंदी जो तू तुच्ची वरी बार पानी डिग्गिया तेरे मत्थे ते वज्जा लानत पाई मैं तेरे ना कर्मा नू। जा आंदे सारे फकीर दा बचन तेरे आंदे दो लाल खेडण के कहंदा सच्चे दरबार बैठी ओही होया आंदे साल उसकी कुख तो दो लाल हुए समा बीत पांच साल के बच्चे हो गए। एक दिन फिर नारद मुनि जी उपरों लंघे हम जिथे एक बार गए मन तो करता ही जाइए माड़ा जा फिक्र पै जाए बंदा कहता की करा जा कहना कोई गल नहीं चलते हैं जे इज्जत ना देगा धक्का भी नहीं मारता। नारद मुनि ने फिर उसे घर का दरवाजा खड़काया अंदरों उ दोवे बच्चे खेडते खेडते बाहर मैं नारद मुनि रोक लिया कहता तुम कौन हो कहता सी इसे घर के दोवे भरा दो लाल। नारद मुनि ने सोचा हमने तो है नहीं सी किसी भैन भरा के गोद लए हो किसी भैन भरा दे गोद लए हो। नारद मुनि जी अंदर गए अंदर उ पति पत्नी का जोड़ा बैठा फिर उन्होंने अपना इष्ट वेख्या जिनी आहो बख्शी वा कि पर नारद मुनि ने मन में वो दो बच्चे रड़क रहे थे। उठद्या नारद मुनि ने पूछ ही लिया कि ये बच्चे कौन ने कहते महाराज तुम तो लारा ला के चले गए कुछ नहीं होया पर थोड़े जाने तो बाद कुछ चार महीनों बाद एक फकीर आया मैं एक पानी का गिलास दिता उन्हें मैंने वरदान दिता ये मेरी कुख तो दो लाल पैदा हुए ने। नारद मुनि ने गुस्सा चढ़िया भज्जा भज्जा फिर क्या पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा कर लिया कहना महाराज मेरी गल का जवाब दो मेरे कहने तुम उसके घर औलाद नहीं दी ऐसा उस फकीर के कि जो तुम उनके कहने औलाद दे दी। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद मुनि तो नारद मुनि दिन च चौवी कड़िया होंदिया ना ये पच्ची कड़िया साड़िया बदगी साड़ी हजूरी हटाते हैं इन्हों के कान से सानू भावे संविधान की पूरा ब्रह्मांड बदलना पवे बदलना पैदा। नारद मुनि जी गली नहीं मैं परमान चाहिए कि उस फकीर ऐसा की सी जो मेरे विच नहीं मैं नहीं थोड़ा दे सकता थीगा। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद मुनि कह लगे ठीक है तेन अज ही विखाने रात को चलांगे भेस बदल के उस फकीर की कुटिया एक शर्त है वो जो कभी उसे करना पैना सवाल जवाब नहीं चाहिए। नारद मुनि कहता मैं तो प्रमाण लेना आ गई रात अद्धी रात का समा बीत्या फकीर आदि खुली जंगल बालन आप भी पकाओ तो मेनू भी खवाओ। नारद मुनि कहता दस की होनी है औकात दो टक फकीर की सानू रब नू कह रहा शंकर भगवान की बांह फड़ नारद मुनि तेनू कहा जो एक करना पेगा किसी ने चावल चुके किसी ने दाल किसी ने आटा मलिया लिया के राशन चूल्हे को लिया आसे पासे लकड़ा ना लभिया चूल्हा बालने वास्ते वह फकीर नू कहन लगे ब्रह्मा विष्णु नारद मुनि महाराज अद्धी रात नू जंगल नहीं कट्टी दा ये हुण खाना किवें पकेगा। जो इन्नी गल फकीर दे कन्ना च पई उन्हें त्री नत्र वेख्या खोलिया की वेख्या ब्रह्मा विष्णु महेश नारद मुनि मेरी कुटिया च मैनू भी पता च क्यों आए है मैनू भी पता क्यों है क्योंकि मैं थानू कहा थे पूरे ब्रह्मांड का संविधान बदल दियो पे मेरे कहते उस गरीबनी की कुख भर दियो तो बदले थानू जो चाहिए जो चाहिए आके मेरे को ले लिया जे। वह फकीर उठा आपकी थां तो चुल्हे के कोल गया आपकी सज्जी लत चुल्हे के बिच लाई उपरों मारी दिल्ली कहता लै महाराज आ चली पहले लाल की लत कहते सच्चे दरबार की अद्धा खाना एक लत ते पक्या ब्रह्मा विष्णु ने नारद मुनि नूं अख मारी बाकी खाना तेरी लत ते पकाई है। नारद मुनि उस ब्रह्मा विष्णु महेश उस फकीर दे पैर पै गए एवें नहीं झोलियां भरिंदियां कि आपका सारा साडा कष्ट है आपके शरीर के लै लेंदे कहते सच्चे दरबार की सच्ची संसार की मस्त बना देंगे बीबा दिन अच्छा ला देंगे ठीक है नहीं लाडी साईं सरकार दे दरबार हाथ खड़े करेंगे
ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਚਾਹ ਚਾਹਦੇ ਦੇਗਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣਗੇ ਨੱਚ ਕੇ ਉਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਗੀਟੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਦਸ ਪਿਕਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦਸ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ यार मनाया नची सी गली गली मेरा जिन्हें नच के कृष्ण भगवान बनाया जो बुला नचया सी यार दे मेरी जो आपने यारों मनाना सी बुले ने बुले ने की क्या राम राम विचवास सजने किस तरह पता लगे कमली है बाकी सारिया सियाणिया ने इतने है ना खड़िया हो गए ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਹਾਂ ਇੰਜਣ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ
इंजन चंगा होना चाहिए डब्बे आपे लग जाए। हाँ सारी खड़ी होगी सारे खड़े हो गए उथे इधर मंजे ले उठ पे बेटा वो तो माइक भर गया। हाँ जी बाबा जी यही होया यही नहीं होया नचने में लगी हुआ ना चाहे मस्ताने बेड़े मस्त बना दे दो जवान पुत्रां दी पुछां गड़ाने तो वेखे मैं बैठे स्टेज ते जिवें सीमेंट वाले कट्टे पए होंदे खड़े हो गए ना जाए मस्ताने मस्त बना दे गल हो गया